हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी ऑफ फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी के करीब पास्ता लिया है, इसको हम बॉईल करेंगे। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इससे मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है, कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और बहुत ही थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें और पानी को अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। ये देखिए पानी हमारा बॉईल होने लगा है, अब हम पास्ता को इसी में डाल देंगे और एक बार इसको चला देंगे। ये बॉईल आ चुका है एक, अब पास्ता को हम 7 से 8 मिनट ढक के पकाएंगे और इसे पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा खुला ही रखेंगे। तो पास्ता हमारा जब तक पकेगा हम व्हाइट सॉस बना लेंगे। पास्ता को मैंने दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें 2 चम्मच बटर ले लेंगे, और 2 चम्मच ही मैदा मिला लेंगे। और इसको हम मीडियम आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। मैदा को हमें अच्छी तरीके से पकाना है, सॉस के लिए मैदा अच्छी तरीके से भुनना चाहिए, तभी हमारी सॉस भी अच्छी बनती है। तो ये देखिए मैदा का कलर चेंज हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है मैदा। मैदा को भूनते हुए हमें 2-3 मिनट हो चुका है। तो गैस को हम बंद कर देंगे, मैदा हमारा भुन चुका है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब यहीं पे हम इसमें दूध मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके मिलाएंगे जिससे इसमें लम्स ना आए। कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे। मैंने पूरा 1 गिलास के करीब दूध लिया है, अभी भी इसे हमें मिक्स करना है। तो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आए। अब गैस को हम ऑन कर लेंगे और इसको थोड़ा पकाएंगे। पास्ता चेक कर लेते हैं हमारा। इसको कट करके देखेंगे, ये देखिए कितने आसानी से कट रहा है। तो हमारा पास्ता हो चुका है, तो इसे हम छान लेंगे। इस पर प्लेन पानी से इसको धो लेंगे जिससे ये ओवर कुक ना हो। हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है। सॉस हमारी गाढ़ी हो रही है, तो यहीं पे हम ये कुटी हुई काली मिर्च है 1/2 चम्मच डाल देंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये ऑरिगेनो है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
सॉस हमारी बन चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये थोड़ा सा मैंने 3-4 कली लहसुन की काट के बारीक रखी है उसे डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब यहीं पे ये 1 प्याज काट के रखी है ये डाल देंगे और इन्हें भी हम 1 मिनट भून लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा प्याज हमारी भून चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यहीं पे गाजर ऐड कर लेंगे, ये मैंने आधी गाजर काट के लिए है। ये फ्रेश मटर है, आधा कटोरी लिया है और ये फ्रोजन वाले कॉर्न है, ये भी आधा कटोरी लिया है। ये शिमला मिर्ची है, आधी काट के लिए है। इन सबको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे 1-2 मिनट तक। अब इसे 1-2 मिनट ढक करके पकाएंगे जिससे हमारे मटर और गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से हमारी सब्जियां भुन चुकी हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ना। अब यहीं पे थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियाँ हमारी हो चुकी हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो सॉस को हम अपनी गरम कर लेंगे। सॉस हमारी गर्म हो चुकी है, इसी में हम सब्जियों को डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे पास्ता भी मिला लेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि पास्ता को भी हमें बहुत नहीं पकाना है, 1-2 मिनट ही पकाएंगे। अब यहीं पे हम ये चीज़ इसमें इसके डाल देंगे। चीज़ आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं। इसे मिक्स कर देते हैं। यहीं पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो, इसे मिला लेंगे। थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे इसमें क्योंकि चीज़ और बटर में नमक ऑलरेडी रहता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। पास्ता हमारा बन चुका है, गैस को बंद करते हैं। तो आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। आपको पास्ता की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।